हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना मसाले की हेल्दी और टेस्टी सेम और पालक की टेस्टी सी सूखी सब्जी। मैंने सेम को और पालक को काट लिया है। काटने के बाद सरसों तेल गर्म कर और पीले सरसों, सूखी लाल मिर्च और लहसुन का तड़का डाल दिया है। और डालने के बाद सेम को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। ये रेसिपी बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ये रेसिपी मेरी नानी बनाती थी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। और ये रेसिपी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें पालक का यूज हुआ है और इसे मसाले बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सेम 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें पालक को डाल दिया। पालक डालने के बाद नमक डाले। नमक ध्यान से डाले क्योंकि पालक और सेम दोनों ही गलता है। और हल्दी मैंने नाम मात्र की बिल्कुल ही थोड़ी सी डाली थी क्योंकि पालक और सेम दोनों ही हरा होता है तो सब्जी का कलर अपने आप ही बहुत सी सुंदर आता है। और मैंने सब्जी में पानी यूज बिल्कुल भी ना करें। गैस का फ्लेम 10 मिनट तक कम करके छोड़ देंगे तो अपने आप ही पालक और सेम दोनों ही अपने ही पानी में अच्छे से पक कर और तैयार हो जाएगा। और जब अच्छे से सेम पक जाए उसके बाद आप गैस का फ्लेम तेज कर ले और तेज कर कर तब आप सब्जी को अच्छे से भून ले जब तक कि सब्जी का पानी अच्छे से न छूट जाए। और तब सब्जी को आप आराम से भून ले। ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। बिल्कुल ही नई रेसिपी है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।